इसलिए भैया ठाकुर जी का खूब नाम, खूब सत्संग हमें खूब करना चाहिए। श्री शिवदेव जी महाराज कहते हैं, इतिहास मिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव कथया मास मलया आसीनो हरि मर्चयन। ये इतिहास की घटना मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत पर ठाकुर सेवा करते समय श्रवण कराई थी। सो आज मैंने प्रसंगानुसार यह कथा आपको भी श्रवण करा दी। भगवान का नाम कैसे भी लो, ये नाम की महिमा नहीं है, ये नामाभास की महिमा है। धोखे से अजामिल ने नाम लिया है। नामस्तया वज्र शक्ति पाप निर्हरणम हरे ताबत कर्तुम न सकनोति पातकम पातकी जना। भैया पापों में इतनी सामर्थ नहीं है कि वो पाप कर सकें, जितनी सामर्थ भगवान के एक नाम में है पापों को भस्म करने की। अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नामय। अज्ञान स्लो या ज्ञान स्लो, नाम तो अपना चमत्कार कर करके ही रहेगा। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। विचार कीजिए, इस तार में करंट है, ध्यान से श्रवण करें आप, इस तार में करंट है और हमें नहीं पता। यदि हमने इस तार को पकड़ लिया तो भैया करंट तो हमको लगेगा ही। अब तार ये नहीं कहेगा कि पंडित जी मेरे अंदर करंट है, आप मुझे मत पकड़िए। धोखे से पकड़ा तो करंट लगेगा, जानकर पकड़ा तो करंट लगेगा, मान के पकड़ा तब भी करंट लगेगा। जहर को चाहे धोखे से पियो, जानकर पियो, मारकर पियो, जहर तो आपको मार ही देगा। गंगा जल चाहे धोखे से पियो, जानकर पियो, मानकर पियो, गंगा जल आपको पवित्र कर देगा। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे धोखे से लो, जानकर लो, मानकर लो, भगवान का नाम तो आपका कल्याण कर ही देगा। भाय कु भाय अनक आनस अनख आलस। ठाकुर जी का नाम भैया कैसे भी लो।
और जिसने शुरू में नाम लिया होगा उसके मुख से ही अंत में नाम निकल पाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही तब जाके अंत राम कही आवत नाही। बड़े बड़े संतों से चूक हो जाती है भैया, ये तो जन्म जन्मांतर का जब अभ्यास होता है कड़ा अभ्यास, तब जाके भगवान का मुख अंत समय में मुख से बाहर निकलता है। और जिसने कभी नाम नहीं लिया भगवान का, वो चाहे कि मुख से भगवान का नाम निकल जाए, तो भैया ये तो संभव है ही नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक माता जी के प्राण निकल रहे थे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक माता जी के प्राण निकल रहे थे। अच्छा, बच्चे लोग कथा सुनकर गए थे नाम की महिमा, तो समझ गए माता जी के प्राण निकलने वाले हैं, तो बच्चों ने चारों ओर से घेर लिया। माता जी बोलो राम, राम नाम बोलो, बोलो राम। बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझे बोलो ही ना जाए। बच्चे परेशान, इतना सब कुछ बोल रही है बस राम नहीं बोल पा रही। अरे माता जी सब कुछ छोड़ो, मन में से सब बाहर निकाल दो, बोलो राम। बुढ़िया कहने लगी, मुझे बोलो ही ना जाए। बच्चे बड़े परेशान, अब क्या हो। एक समझदार व्यक्ति वहां खड़े थे, वो कहते मैं बुलवा कर देखता हूँ, मैं बुलवाता हूँ उनसे नाम। हम आप बुलवा कर, आप बुलवाइए नाम, आप करो कोशिश। अच्छा, वो जो सज्जन थे उन्होंने प्रश्न ही उल्टा कर दिया। वो विचार करने लगे, मैं प्रश्न करूंगा कि माता जी आप क्या नहीं बोल सकती, आप क्या नहीं बोल सकती। तो बुढ़िया कह देगी मैं राम नाम नहीं बोल सकती, तो मुख से तो नाम निकल ही जाएगा। तो वो सज्जन आकर कहते हैं, माता जी अच्छा तो एक बात बताओ आप क्या नहीं बोल सकती। तो बुढ़िया कहवे लगी, जो तू बोला वो चाहे बस बोलना है, बोल सकूं मैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। कैसे भी लो भाई कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल जस दसम। ठाकुर जी का नाम किसी भी भावना से लो। तो आइए एक बार हम भी ठाकुर जी का नाम बड़े प्रेम से भाव के साथ लें, फिर आगे की यात्रा हम लोग करते हैं। ताली बजाते हो प्रेम से मेरे साथ गाइए। ओ तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, राधे राधे बोल रे बंदे क्या ना के तेरा मोल रे, राधे राधे बोल बंदे क्या ना के तेरा मोल, राधे राधे बोल रे बंदे क्या ना के तेरा मोल रे।
Yeah.
से बनी है तेरी मिलकर कंचन काया, पांच तत्व से बनी है तेरी मिलकर कंचन काया, पांच तत्व से बनी है तेरी मिलकर कंचन काया, पांच तत्व से बनी है तेरी मिलकर कंचन काया। विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया, विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया, विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया, विषय भोग में पढ़कर तूने ताली बजाने बड़ी कंजूसी कर रहे हो। देखो ताली बजाते बजाते क्या होता है, ताली बजाने से हाथ में जो प्रयोगी की रेखा है वो मिट जाती है। और देखो आपने देखा भी होगा जब बच्चे लोग क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं तो टीचर लोग उनकी हाजिरी भरते हैं, तो टीचर नाम लेते हैं तो बच्चा हाथ उठाता है, यदि क्लास में है तो फिर अटेंड है, नहीं तो फिर सस्पेंड। तो वहां यदि हाजिरी नहीं लगी तो क्लास में उपस्थित नहीं माना जाएगा। और भैया ये काहे की क्लास है, ये हमारी भागवत की क्लास है, ठाकुर जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और भैया यहाँ यदि हाथ खड़े नहीं किए, ताली नहीं बजाया तो भैया यहाँ भी अब्सेंट लग जाएगी, इसलिए अब्सेंट नहीं लगाना, हम तो प्रेजेंट है भैया। ओ तेरी बिगड़ी बने जाएगी तो Yeah.
खुशी वाले